डिस्कसिंग द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 फंजाई. हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करेंगे, दैट इज अबाउट द एमसीक्यूज. विच स्टेटमेंट अबाउट फंगल न्यूट्रिशन इज नॉट ट्रू? इट इज एक्चुअली ऑप्शन सी, फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई कैन ग्रो ओनली ऑन देयर स्पेसिफिक होस्ट. बिकॉज स्पेसिफिक होस्ट पे भी ग्रो कर जाएगी और सबस्ट्रेट पे भी ग्रो कर जाती है. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज एडेड बाय ऑप्शन बी, दे आर लार्ज सर्फेस एरिया वॉल्यूम रेशियो. थर्ड है द जाइगोमाइसिटीज, ऑप्शन ए, हाइफे हैव हाइफे विदाउट रेगुलरली अकरिंग क्रॉस वॉल्स बिकॉज देयर हाइफे आर सिनोसेटिक, सेप्टेट होते हैं. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई? ए सेक्चुअल, कॉनिडिया आ जाएंगे, ऑप्शन बी. उसके बाद फिफ्थ है द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ फंजाई प्रॉबेबली ऑप्शन बी, स्लाइम मोल्ड्स. सिक्स है ईकोलाय फंजाई आर, ऑप्शन डी, यीस्ट. एंड एस्कस इज टू एस्कोमाइसिटीज एज डैश इज टू बैसीडियोमाइसिटीज. इसमें बैसीडियम आ जाएगा. Which statement is not true about retinomycetes? Option D, they have both sexual and asexual reproduction. So coming to the question number 2, that is about the short questions. Pehla short question hai, what is hypha and what is the advantage of having incomplete septa? Hypha jo hai, ye long filamentous body hoti hai. Ye actually jo hai, wo page, first page ke upar jo hai, wo maujood hai. और आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन मौजूद है माइसी अलॉन्ग विद द माइसीलियम. इनकम्प्लीट सेप्टा का फंक्शन ये होता है, एडवांटेज ये होता है दैट फूड कैन फ्लो फ्रीली और दैट विल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, फास्ट ग्रोइंग सिस्टम हो जाएगा. सेकेंड है, वॉट इज द कम्पोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल, हाउ इट इज कम्पोजिशन एडवांटेजेस टू फंजाई? कम्पोजिशन जो है वो होती है काइटिन की, और एडवांटेजेस क्यों है? बिकॉज इट इज डिके रेजिस्टेंट. थर्ड विल बी, थर्ड क्वेश्चन, टू विच फायर डू यीस्ट बिलोंग, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम अदर फंजाई? यीस्ट जो है इट बिलोंग्स टू ऑल द 3 फाइलम्स, जाइगोमाइसिटीज, बैसीडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज. डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर. फोर्थ क्वेश्चन है, नेम सेक्चुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज. सेक्चुअल स्पोर्स जो है दे आर एस्कोस्पोर्स, और एसेक्चुअल जो है दे आर कॉनिडिया. क्वेश्चन 5, व्हाट आर माइकोराइजे? माइकोराइजे आर बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड सर्टेन वेस्कुलर एंड रूट्स ऑफ सर्टेन वेस्कुलर प्लांट्स. सिक्स क्वेश्चन है, वो बाय व्हाट मींस कैन इंडिविजुअल इन इम्परफेक्ट फंजाई बी क्लासिफाइड? इसको जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए के सीक्वेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं बिकॉज आपस में उनकी बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट्स जाइगोमाइसिटीज फ्रॉम बैसीडियोमाइसिटीज. सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट जाइगोमाइसिटीज हैव सिनोसिटिक हाइफे, यानी कि एसेप्टेट हाइफे, और दूसरा एस्कोमाइसिटीज का, बैसीडियोमाइसिटीज का पूछा हुआ, दे हैव सेप्टेट हाइफे. एथ क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रीन मोल्ड लाइकली टू कंटामिनेट एंड ऑरेंज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर देन आर बैक्टीरिया? बिकॉज दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर रेंज, टॉलरेट हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर. और ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी दैट दे कैन टॉलरेट टू -5 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. तो ये -5 जो है ना फ्रिज में तो 0-1-2 के करीब होता है टेम्परेचर, तो इसलिए इट कैन कॉज जनरेशन ऑफ द ऑरेंज और एनी थिंग दैट इज केप्ट इन द फ्रिज. वॉट इज अ फंगस? फंगस क्या होती है? जस्ट प्रेजेंट ऑन पेज 1, आप इसको जो है वो पेज 1, सॉरी जो स्टार्टिंग पेज है टाइटल पेज से आप इसको ले सकते हो. फंगस क्या होती है, 2-3 लाइन में वहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है. टेंथ है, स्टेट 2 पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बैसीडियोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज में दे आर हैविंग एस्कोस्पोर्स,
बेसिडियोमाइसिटीज में देर हैविंग बेसिडियोस्पोर्स, और दूसरा ये है दैट देर हाइफे आर सेप्टेट. तो ये जो है वो दो पैरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे. फॉर लॉन्ग क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज अबाउट द टेक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई. टेक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई मतलब फंजाई का एक अलग किंगडम है. वो किंगडम क्यों है? बिकॉज दे आर हेटरोट्रॉफिक एंड दे लुक लाइक प्लांट्स. तो दैट इज इसका पेज 113. सेकेंड क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएटिंग डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर मेन ग्रुप्स ऑफ फंजाई एंड गिव टू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप. ये टेबल मौजूद है पेज 119 और आप उससे जो है वो दो तीन चार पाँच जितनी एग्जाम्पल्स चाहें उतनी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेरियस फीचर्स ऑफ फंजाई दैट अडॉप्ट देम टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. पेज 124-125 पर लैंड अडॉप्टेशन ऑफ फंजाई का टॉपिक है एंड यू कैन राइट फ्रॉम देयर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ऑफ लाइकेंस एंड माइकोराइजे. इट्स ऑन पेज 125. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आपने लिखना है अबाउट द सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जो कि एक्चुअली डीकम्पोजर्स है लाइकेंस और माइकोराइजेस की. फिफ्थ क्वेश्चन है अबाउट सेम इंजाइम्स ऑफ फंजाई यूजफुल ऑन वन हैंड एंड हार्मफुल ऑन द अदर. डिस्कस सेम इंजाइम्स हैं जो कि यूजफुल इसलिए बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन डीकम्पोजर्स के तौर पे, और वही जो इंजाइम्स हैं दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग फूड एंड वुड एक्सेट्रा. तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं. सिक्स्थ है नेम एनी फोर इंपॉर्टेंट फंगल डिजीजेज ऑफ प्लांट्स और फोर फंगल डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द प्लांट डिजीज एंड एनी वन ऑफ द डिजीज ऑफ ह्यूमन. ये डिजीजेज जो है इट्स गिवन ऑन पेज 127 एनिमल डिजीज ऑफ प्लांट डिजीज के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट डिस्क्राइब गिविंग एग्जाम्पल्स डिफरेंट वेज इन विच फंजाई आर यूजफुल टू ह्यूमन्स. ये आपके पास जो है वो कमर्शियल गेंस है इकोनॉमिक गेंस ऑफ पेज 125. तो यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर.